हाँ जी दोस्तों दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ ऑफसेट मशीन के बारे में। जे कुछ ख़राब हो गई है मशीन हमारी। ये देखिए ना, ये जहाँ पर नट बोल्ट वैसे ही घुसा जा रहा है, ये देखिए अंदर बाहर वैसे ही हो रहा है। ये ऐसे कसना चाहिए मगर ये ढीला पड़ गया है। ठीक है, ये देगी है, देगी देगी है, जहाँ पर जो नट बोल्ट कसा जाता था ये वैसे ही फ्री हो गया है, ये देखिए। ठीक है ना, तो अब इसका हल क्या है? अब हल इसका यही है सर, भी आपको नया चूड़ी डालना पड़ेगा इसमें। वो जो नट बोल्ट ये नहीं लगेगा, ये ब्रिक चूड़ी वाला है नट बोल्ट, तो ये है मोटा। ठीक है ना, अब ये घुस नहीं रहा है इसमें, ये देखिए। तो इसमें मूस मारना पड़ेगा। ठीक है जी, मूस मारना पड़ेगा तो तब ये घुसेगा। अब मूस जहाँ पे बजेगा नहीं, इसमें बहुत कम जगह है, ये देखिए जहाँ पर जो फंसेगा मूस जहाँ पर बजेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब ये नट बोल्ट हमने लगाना भी नहीं है क्योंकि ये बाद में सेट नहीं होगा। आपको पूरा दिखाता हूँ क्या चक्कर क्या है, बाद में सेट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, ये नट बोल्ट लाया हूँ हार्डवर्क की शॉप से। इसकी जो चूड़ी है मोटी है, थोड़ा सा नट बोल्ट एक्स्ट्रा मोटा है, मगर ये जहाँ पर फिट आ रहा है, ये जहाँ पर आराम से घूम रहा है, जो कि ये देखिए बाहर नहीं आता है। ये हम कसेंगे जितना ज़्यादा, ये बाहर नहीं आएगा। ये देखिए खींच रहा हूँ, बाहर नहीं आता है। ये तो आपको कोई भी कुछ करने की लोड़ नहीं है। बस अगर आपका कोई मशीन का नट बोल्ट ख़राब हो जाए, फ्री होने लगे, तो जहाँ पर मूस मारना पड़ेगा मोटा नट बोल्ट लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप मोटी चूड़ी वाला हार्डवेयर की दुकान से नट बोल्ट डलाएँ। ठीक है ना, फिर कसे जी आपका कस हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत परेशान था इसी वजह से। ये जो मास्टर प्लेट थी, ये धीरे धीरे मास्टर इधर चलता जाता था धीरे धीरे। ठीक है ना, अभी भी मैंने कुछ बिल बुक छापी है, वो धीरे धीरे मास्टर इधर भाग रहा था। चलो आज मैंने फिर पता पुता किया, तो मैंने दिमाग लगाया ये करके देखते हैं। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, ये देखिए ये जहाँ पर कस हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है ना, मैं बनाऊँगा वीडियो, आप देखना।